गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का मदीना मस्जिद से मूनलाइट तक का क्षेत्र चोरों और टप्पेबाजों के लिए ऐशगाह साबित हो रहे हैं। अभी दो टप्पेबाजों की गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि बीते रविवार को चोरों ने मूनलाइट होटल के नीचे स्थित भारत साइकिल से कैश काउंटर पर लगभग 20,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि पिछली टप्पेबाजों की घटनाओं को देखते हुए यहां एक पुलिस पिकेट की तैनाती रहती है, परंतु पिकेट के सिपाही रेती रोड पर स्थित एक विशेष दुकान के अंदर बैठे देखे जा सकते हैं, जिससे चोर और उचक्कों के बीच पुलिस की हनक यहाँ नजर नहीं आ रही है, जिसका फायदा उचक्के उठाते हैं। दुकान में कस्टमर बहुत है, एक लगा था उससे पूछे क्या चाहिए, बोले टाइट ट्यूब चाहिए, बोले कौन सी साइज का, पूछा डिस्कस किया, बोला कि ये छोटा चाहिए, लेकिन पर्चा हमारा भाई गया है सुरन पे लेने के लिए, भूल गया हूँ लेकर आता तो और माल चाहिए। मैंने किनारे बैठ जाओ, किनारे बैठा हुआ था मैं, अपने ग्राहकों में बिजी था। उसके बाद मेरे सामान पर हार्ड भी बटाने लगा, फिर मैंने उसको कहा किनारे तुम बैठो भाई, बैठा किनारे था, और फिर मौका देख करके जब मैं अंदर गया, मौके पे एक दो आदमी मौजूद भी थे, उसको देख करके काउंटर में खींचा, उसने पैसा निकाला लेकर चंपत हो गया। कितना पैसा लेके गया वो? 20,000 था, और बिजली का बिल था बख्शीपुर का, दुल्हा के नाम से बिजली का बिल भी था।